महोरागा वर्सेस रीगा, एक है स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी तो दूसरे क्वीन ऑफ कर्सेस। दोनों के बीच में फाइट करा दी जाए तो कौन जीतेगा? वेल, जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि एक वर्सेस वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। तो देखो, रीगा एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्प्रिट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही महोरागा की बात की जाए तो वो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल शिकिगामी है, जिसका की कोई ग्रेट डिफाइन नहीं है। इसलिए इसे प्रॉपर जज करने के लिए हमें इसकी पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात की जाए रीगा की तो उसके पास इनमेजरेबल कर्स एनर्जी, इसी के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। अगर रीगा पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती है तो उसे केवल सातोरु गोजो ही रोक सकता है। और रीगा के इस रूप को हमने जुजुत्सु काइसन की जीरो मूवी के अंदर देखा था, जहाँ गेटो से फाइट के दौरान रीगा इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो ना सिर्फ गेटो को बल्कि उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक कॉस्मिक उजुमाके को भी ओवरकम कर देती है। और इसी के साथ रीगा इंडिविजुअल भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है। मांगा में जब यूजी को रीगा ने पकड़ लिया था तो लिटरली यूजी हिल भी नहीं पा रहा था। और यूजी फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये तो मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। अब मांगा में ही अमरीका को प्रॉपरली एक रियू नाम के बंदे के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। ये फाइट काइंड ऑफ बैलेंस थी, रियू पावरफुल था बट इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं था। इस फाइट से हमें रीगा की पावर का अंदाजा लग गया था। नाउ कमिंग टू महोरागा, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। तुम्हें शिकिगामी की हाइट ही देख लो, कितना ज्यादा लंबा चौड़ा है। ये मांगा में सुगुना और गोजो दोनों से लड़ चुका है, और सुगुना से फाइट के दौरान इसने अपने एक चांटे से सुगुना को 5 बिल्डिंग दूर जाके फेंका था। इसी के साथ महोरागा खुद को चुटकियों में हील कर लेता है, चाहे चोट कितनी ही बड़ी। और महोरागा की सबसे ज्यादा बड़ी एबिलिटी है, वो किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है। इसके लिए उसके सर का धर्म चक्र एक बार घूमता है और अटैक अडेप्ट हो जाता है। मांगा में महोरागा ने गोजो के डोमेन इन्फिनिटी वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया था। इनफैक्ट उसने गोजो के लिमिटलेस तक को भी अडेप्ट कर लिया था, जिसके लिए महोरागा के धर्म चक्र को भी 4 बार घूमना पड़ गया था। अब महोरागा की अचीवमेंट की बात की जाए तो वो पास्ट में एक सिक्साई यूजर को मार गिराया था, जो कि प्रेजेंट में भी गोजो है। इसी के साथ महोरागा को आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर एम नहीं कर पाया है, इसलिए आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर उसे काबू भी नहीं कर पाया है। तुम जरा सोच के देखो, महोरागा आज तक अनडिफीटेड था, बट ये सब लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला था। पहले सुगुना ने महोरागा को हराया, फिर गोजो ने महोरागा को हराया। तो अगर हम महोरागा और रीगा की पावर को देखें तो अब तक मैंने तुम लोगों को जितना बताया है उस हिसाब से एबिलिटी और अचीवमेंट के मामले में महोरागा रीगा से बेहतर है। बट अब मैं तुम्हें महोरागा की एक ऐसी एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सामने रीगा तो क्या सुगुना भी एक सेकंड भी नहीं टिक सकता, और वो है महोरागा की तलवार, जो कि पॉजिटिव कर्ज एनर्जी से भरी हुई है। दरअसल एक कर्ज स्प्रिट या फिर कर्ज एनर्जी पैदा होती है नेगेटिव एनर्जी से, बट महोरागा की तलवार के अंदर है पॉजिटिव कर्ज एनर्जी, जो कि इन कर्ज स्प्रिट के लिए एक जहर की तरह है, जो कि इंस्टेंटली इन्हें खत्म कर देती है। मतलब महोरागा अपने एक स्लैश से किसी भी कर्ज स्प्रिट को खत्म कर सकता है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल हो। और मांगा में महोरागा से फाइट के दौरान सुगुना ने बात खुद कही थी कि अगर वो अब तक यूजी की बॉडी के अंदर ना होता और खुद की ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो महोरागा कब का उसे खत्म कर चुका होता। मतलब समझ रहे हो, किंग ऑफ कर्सेस खुद ये बात बोल रहा है, तो तुम सोच सकते हो कि महोरागा का लेवल क्या होगा। तो देखो, बात की जाए रीगा से फाइट की तो रीगा है तो कर्स स्प्रिट। तो देखो, फाइट के दौरान अगर रीगा महोरागा के पास गई तो महोरागा रीगा को चीर डालेगा, और अगर रीगा ने महोरागा पे कोई अटैक करा तो महोरागा उस अटैक को भी अडेप्ट कर जाएगा। मतलब कुल मिला के विन विन सिचुएशन महोरागा की है। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई लोग, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।